अंकिता का मतलब अंकिता का कोई भी काम हो, उनकी फिल्म हो, आई थिंक आई एम ऑलवेज अ चीयर लीडर. हमेशा से मैं उनके फ़ैन रही हूँ, उनकी काम की, उनकी एक्टिंग की. मैंने अपना करियर आई थिंक उनके साथ जैसे शुरुआत की है, तो मुझे पर्सनली हमेशा उनका काम देखने का बहुत एक्साइटमेंट रहता है. और इसके तो मैंने थोड़े शॉट्स भी देखे हैं, थोड़ी सी ट्रेलर देखा है, एंड आई नो इट्स वेरी वेरी क्यूट, वेरी नाइस. और मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि अंकिता का लुक इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, वो खुद इतनी सुंदर लग रही है, और कश्मीर की वादियों में एक लव स्टोरी और क्या चाहिए आपको वैलेंटाइंस डे पर. मेरे प्लान्स हैं कि मैं अपनी गर्ली वैलेंटाइन मनाने वाली हूँ इन्हीं सब लोगों के साथ. आई थिंक कल हम लोग यही मूवी देखेंगे घर पर, आज हम यहाँ देखने आए हैं, और बस अपनी गर्ल्स के साथ आई थिंक आई एम जस्ट गोना सेलिब्रेट माय वैलेंटाइंस डे. और नाउ वी कैन हैव अ मूवी नाइट, वी कैन वॉच द लास्ट कॉफी. सो दोज आर आवर प्लान्स. अब इतने साल हो गए, मतलब आई डोंट नो टू कॉल अ फ्रेंड, क्योंकि मुझे शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी फैमिली है, और उसके साथ ही उनका सारा काम, मतलब एक वो बायस साइड अलग होती है जहाँ पर यू नो आपका कोई लव्ड वन कुछ अच्छा काम करता है, आप उसके लिए अच्छा फील करते हो, लेकिन मैं जेन्युइनली उनके काम की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हमेशा से रही हूँ. मेरे पुराने इंटरव्यू से लेकर अभी तक ये चीज़ हमेशा कॉन्स्टेंट रही है, दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हर वर्क और उनका लुक, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है. वो अपने साथ अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती है, एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ सीइंग हर ऑन द बिग स्क्रीन. इसके साथ ही आप क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं? मैं जो भी लेकर आऊँगी आपको जल्द से जल्द मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप लोगों के थ्रू ही पता चल जाएगा, बट आज मैं यहाँ पर सिर्फ अंकिता और द लास्ट कॉफ़ी के लिए आई हूँ. जी फाइव पे जाकर देखिए वैलेंटाइंस डे का. आपका अगर कोई और प्लान नहीं हो या कोई प्लान हो भी तो प्लीज़ ये मूवी देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए अंकिता को. एंड आई रियली विश कि 2023 उनके लिए बहुत बहुत अच्छा हो, बहुत सारा हमें उनको यू नो स्क्रीन पे और ज़्यादा देखने को मिले. एंड या हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. यहाँ पे देखो. ओके थैंक यू. Just to speak up some words for this movie out here. So yes, I'd like to call Rahat Kazmi sir, the international director out here. And yeah, he has been a part of many good projects like Angeeti, Country of Blind and Mantosan. So yes sir, I hope you're doing great. And can you tell me like something about this movie? Yeah, actually I will not tell much about the movie because you're going to watch the movie. Yeah, exactly. And I was expecting that I should be the last person, Ankita and Shoaib, the main guys to speak. Exactly. Yeah. So yeah, and kuch shabd sir. Like you saw the trailer, like what you feel like? I think personally I liked it very much, and because I'm one of the producers in the film, so I would like it, but I think we are getting good reactions from everyone, and we have made this film with heart aur humne bade dil se banayi hai, bade pyar se banayi hai. I always say that we don't make big films, but we make films with heart, and if you make something with heart, it touches hearts. So I hope it will touch your hearts. So I'm gonna say much. Call the producers of this movie, Raj and Sakshi Seth out here. Sakshi's not here, but Raj is here. So yeah, please guys, make an applause for Raj. Yeah, इनके लिए ज़्यादा ताली बजती है, because not being from this industry has supported the film. Sakshi is not here, I'm not.
डेडिकेशन जो वर्क में दिखाया है एग्जैक्टली तो मेरे को इन लोगों के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में लगता है एसोसिएट होना दैट्स नाइस ग्रेट 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 आई वुड लव ऑलवेज टू वर्क विद देम सो या नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द एक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी दैट इज शोएब निकाह शाह told so much and I'm just here to see the reactions of everybody so exactly director hote to pehle hi hota dhak dhak chalti hai kyunki bhai yahan pe bahut zor ki chal rahi hai lagta hai exactly I can understand so like being an actor and director like what are the things you know which made you up to make this up like you know so sweet and like I saw the trailer you're looking very good in it thank you so much and I think ye depend karta hai कि आप कितनी तारीफ़ कर रहे हो मुझे पता नहीं है मैं तो अपनी तरफ से बस कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं प्रोजेक्ट करूँ वो दिल से करूँ और मैं पूरी उसमें छोटी या बड़ी फिल्म तो मैं नहीं समझता मैं समझता हूँ कि फिल्म जो होती है वो उसका प्रोसेस वो फिल्म ही होती है वो बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो या कोई भी प्रोजेक्ट होता है मैं अपनी तरफ से पूरी दिल जान सब लगा देता हूँ उसके बाद सब रेस्ट जो है ऑडियंस पे सब So now I would love to call. Just a second. I want to give a big introduction for you because I grew up watching you. Oh, you. So yeah, I want to call the lady of this hour and the like beautiful till infinity, Ankita Lokhandwala. Paladin. So yes, ma'am. How was your experience with the last one? I think मेरा experience बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि मुझे याद है ये फिल्म हमने सिर्फ 7 दिन में कंप्लीट की थी और बहुत टाइट स्केड्यूल था लेकिन शोएब ने बहुत मेहनत की थी और शोएब ने पूरी जान लगाकर इस चीज़ पर काम किया है एंड जो ट्रेलर जैसे यू आर प्रेजिंग द ट्रेलर सो मच एंड वी ऑल हैव सीन द फिल्म ऑल्सो एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ अ फिल्म वेयर यू नो एक आपका खुद का एक अटैचमेंट हो जाता है सीन से बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पर हमने फील किया है उस चीज़ को जब मैं और शोएब शूट करते थे सो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है जहाँ पर मैं अपनी फिल्म देखने वाली हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड टू स्टैंड हियर थैंक यू सो मच Please make an applause for this guys and guys I'd like to ask you to just take your seats Thank you. Will be moving ahead with the premiere like the most awaited premiere The Last Coffee so yes guys please make an applause for the last theek hai chalo you want to meet so sharat aap abhi ankita ki film dekh kar aa rahe the last coffee kaisi lagi aapko film dekhi main jo thodi bahut dekhi hai टेक ऑन रिलेशंस दो लोगों के गाने और जैसे हम देख पा रहे हैं पीछे पोस्टर में भी इट्स अंकिता एंड शोएब एज यूजुअल यू नो अंकिता हमेशा कितना अच्छा काम कर रही हैं शोएब मैं पहली बार देख रहा हूँ एज अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर वेरी वेरी इम्प्रेसिव बहुत सुंदर तरीके से कहानी की शुरुआत होती है जिस तरह दो लोग जो हैं ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं एक साथ फिर कुछ होता है बीच में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट एज द नेम सजेस्ट इट्स द लास्ट कॉफ़ी और लास्ट कॉफ़ी क्यों है फर्स्ट कॉफ़ी में क्या हुआ था लास्ट में क्या होगा सो इट्स अ नाइस जर्नी इट्स अ ब्यूटीफुल टेक ऑन इमोशंस पर्सनल रिलेशंस एज अ कपल ऑल्सो हाउ यू नो दे काइंड ऑफ डील विद ईच अदर किसी में अगर कोई कमी हो तो दूसरा कैसे उसे बैलेंस करता है अगर पहले में कमी हो हस्बैंड में कमी हो तो पति पत्नी किस तरह उसको डील करती है उसके साथ सो इट्स वेरी मच्योर्ड एंड अच्छा लगता है यार ऐसे जब लोग फिल्में बनाते हैं और लिखते हैं खास करके काफ़ी शायरी है फिल्म में सो इट्स नाइस आई मीन उर्दू के जो है काफ़ी लव्स उनका जो जिस तरह के इस्तेमाल किया गया है इट्स वेरी नाइस देखिए अभी तो आज मैं इनकी बात करता हूँ लास्ट कॉफ़ी की एंड आई थिंक आई एम विशिंग द एंटायर टीम ऑफ लास्ट कॉफ़ी रात भाई एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट प्लीज़ गो वॉच इट आई थिंक वी नीड टू
promote and support and somewhere watch such kind of content ताकि लोग ऐसे और content बनाएं. Thank you. Thank you. Thank you. सो शरद, आप अभी अंकिता की फिल्म देख कर आ रहे हैं द लास्ट कॉफी, कैसी लगी आपको फिल्म? देखिए मैंने जो थोड़ी बहुत देखी है, इट्स अ ब्यूटीफुल टेक ऑन रिलेशंस, दो लोगों की कहानी, और जैसे हम देख पा रहे हैं पीछे पोस्टर में भी, इट्स अंकिता एंड शोएब. एज यूजुअल यू नो अंकिता हमेशा की तरह अच्छा काम कर रही हैं. शोएब मैं पहली बार देख रहा हूँ एज अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर. वेरी वेरी इम्प्रेसिव, बहुत सुंदर तरीके से कहानी की शुरुआत होती है, जिस तरह दो लोग जो हैं ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं एक साथ, फिर कुछ होता है बीच में. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट एज द नेम सजेस्ट इट्स द लास्ट कॉफ़ी. और लास्ट कॉफ़ी क्यों है, फर्स्ट कॉफ़ी में क्या हुआ था, लास्ट में क्या होगा. सो इट्स अ नाइस जर्नी, इट्स अ ब्यूटिफुल टेक ऑन इमोशंस, पर्सनल रिलेशंस एज अ कपल ऑल्सो, हाउ यू नो दे काइंड ऑफ डील विद ईच अदर. किसी में अगर कोई कमी हो तो दूसरा कैसे उसे बैलेंस करता है, अगर पहले में कमी हो, हस्बैंड में कमी हो, तो पति पत्नी किस तरह उसको डील करती है उसके साथ. सो इट्स वेरी मच्योर्ड एंड अच्छा लगता है यार ऐसी जब लोग फिल्में बनाते हैं और लिखते हैं, खास करके काफ़ी शायरी है फिल्म में. सो इट्स नाइस, आई मीन उर्दू के जो है काफ़ी लव्स उनका जो जिस तरह के इस्तेमाल किया गया है, इट्स वेरी नाइस. देखिए अभी तो आज मैं इनकी बात करता हूँ लास्ट कॉफ़ी की, एंड आई थिंक आई एम विशिंग द एंटायर टीम ऑफ लास्ट कॉफ़ी, राज भाई, एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ गो वॉच इट. आई थिंक वी नीड टू प्रमोट एंड सपोर्ट एंड समवेयर वॉच सच काइंड ऑफ कंटेंट, ताकि लोग ऐसे और कंटेंट बनाएं. थैंक यू. थैंक यू. जी मुझे काफ़ी अच्छी लगी द लास्ट कॉफ़ी. जो टाइटल है काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है स्टोरी के हिसाब से, बिकॉज कैसे लास्ट कॉफ़ी के ऊपर जो सारी स्टोरी है, जो एक साल की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. तो जो टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, स्टोरी को लेके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. और जो एक सबसे हार्ट थ्रॉबिंग सीन था पूरे फिल्म का, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो एक मोमेंट था जब शोएब सर जो है, जिन्होंने रेहान प्ले किया, वो बोलते कि कोई देख लेगा. दैट वाज द स्वीटेस्ट मोमेंट व्हेन शी हग्स हर, एंड लाइक आई जस्ट लव दैट सीन. इट वाज ब्रिलियंट, अमेजिंगली शॉट, एंड काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छी स्टोरी थी. और ये चीज़ हमें एक मैसेज भी देती है कि हमें हमेशा अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, एंड हमें इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि हमारा पार्टनर हमारी चीज़ों को समझेगा, और हम जो भी चीज़ें बोलेंगे हमें उसमें सपोर्ट करेगा. तो ये एक काफ़ी अच्छा मैसेज है, और शायद वैलेंटाइंस पे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझाएगा, और लोग अपने पार्टनर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. सो लाइक ब्रिलियंट फिल्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. उनका जो चुलबुला कैरेक्टर दिखाया था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. वो कहीं ना कहीं गीत को रेप्लिकेट कर रहा था, जैसे कि जब भी मेट में था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर था, बहुत ही चुलबुला कैरेक्टर था, मस्तीखोर सा कैरेक्टर था. और जो लव था वो दिख रहा था सीन में, लाइक ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ भी बनावटी है, बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था. इट वॉज अमेजिंग. मैं कभी भी फिल्म के बारे में नहीं कहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि फिल्म के बारे में ऑडियंस डिसाइड करे. हम मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत जो है हमारी ऑडियंस को पसंद आए. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए. See, it's heart touching, first of all. And सबसे पहले ये है कि मुझे जो फील होता है इससे, it's a learning for everyone. कि अगर there is a confusion, there is a misunderstanding, it is like, you know, it is always to clear things rather than keeping it to yourself and coming to a very deadly conclusion and coming to an end, whether you want to make the end of the life without knowing the reason. So
इससे ये सीख कम से कम मिल गई कि इंसान को हमेशा अपने मतलब चीज़ों को अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पहले क्लियर कर लेनी चाहिए, बेटर लेट देन सॉरी. वेरी गुड केमिस्ट्री, मतलब आप खो जाओगे उनको देख कर. दे आर अमेजिंग. अंकिता तो मतलब वी हैव बीन सीइंग हर इन पवित्र रिश्ता. आई हैव वर्क विद अंकिता लाइक यू नो मैंने तो बहुत टीवी किया हुआ है उनके साथ और एज अ प्रोड्यूसर तो आई नो. आई मीन शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड सो इज़ शी.